हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी। तो चलिए शुरू करें। अगर आप गरीब हमले में पैदा हुए हैं, कोई बात नहीं, यह कहानी आपको गरीब मरने नहीं देगी। तो दोस्तों, यह कहानी है उस गरीब लड़की की जो नालियाँ साफ करके अपने कॉलेज का फीस पूरा किया करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मिस होशियार यानी सलोनी चंद की, जिसकी माँ दूसरे के घर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। जो लड़की नालियां साफ करके 200 रुपए कमाया करती थी और आज कैसे इंटरनेट से लाखों काम आती है। तो चलिए मिस होशियार की सलोनी की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस होशियार उत्तराखंड के खटीमा गांव से रहने वाली है, जो एक छोटा सा गांव है और वहां उतना विकास नहीं हो पाया है। दोस्तों, मिस होशियार एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, मिस होशियार के पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो जाता है, जिससे वह जहां काम करते थे वहां छोड़ना पड़ता है। जब मैं होशियार को ट्वेल्थ की पढ़ाई के लिए फीस जमा करनी थी, तो उनके नाना जी उन्हें थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार से माँ मदद मांगती है, लेकिन उन रिश्तेदारों से माँ को कोई मदद नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे मिस होशियार ने अप्रैल की पढ़ाई पास की थी। दोस्तों, मिस होशियार एक गाँव में रहने वाली लड़की थी, तो वहाँ लड़कियों का काम के लिए बाहर जाना थोड़ा अजीब माना जाता है, लेकिन मिस होशियार ने फिर भी कोशिश किया था जॉब के लिए, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मिस होशियार यानी सलोनी मनरेगा गांव में चलने वाला काम, उसमें काम किया है, जिसमें सुबह से शाम तक काम करने पड़ते थे। मिस होशियार मनरेगा में नालियां साफ करती थी। 12th पढ़ी लिखी लड़की गांव में नालियां साफ करने का काम करती थी, जिसमें उन्हें बहुत बुरा लगता था। नालियां साफ करने में मिस होशियार को 210 रुपए दिन के दिए जाते थे। हालात ऐसी थी कि उन्हें यह काम भी करना पड़ता था। कभी कभी हालात इतनी बुरी हो जाती थी कि उनके माता जी को दूसरों के घर खाने के लिए मांगने जाना पड़ता था, क्योंकि हालात इतने बुरे थे। मिस होशियार यानी सलोनी के फैमिली ने बहुत ही मुश्किल हालात से यह परेशानियां काटी। दोस्तों, सलोनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वह BSc करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उसने BA करने का सोचा। दोस्तों, सलोनी के पास उसके दोस्त का कॉल आता है कि तूने क्या लिया है। सलोनी कहती है कि उसने BA लिया है। उसकी दोस्त बोलती है, ऊपर से तेरी हाइट छोटी है, शरीर भी इतना पतला है, तूने BA लिया है तो तेरे से शादी कौन करेगा। क्योंकि सलोनी को उसके स्कूलों में, मोहल्लों में, गांव में चिढ़ाया जाता था कि तू बौनी है, पतली है, तुझसे शादी कौन करेगा। लेकिन आज सलोनी उस स्टेज पर जहां लड़कों की लाइन लग जाती है। सलोनी इन बातों को सोचते सोचते इतनी ज्यादा होपलेस हो जाती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सलोनी इन बातों को नकारा करते हुए या सोचती है कि गरीब पैदा तो हुए हैं, लेकिन गरीब मरना नहीं है। दोस्तों, मैं सोच यार कुछ ऐसा करना चाहती थी कि वह जहां नालियों में काम करती थी, लोगों की गालियां सुना करती थी, वह चाहती थी कि यह सब एक दिन तालियों में बदल जाए। दोस्तों, मिस होशियार के नाना जी ने मिस होशियार को एक मोबाइल गिफ्ट दिया था, जिससे मिस होशियार 2020 में यूट्यूब चैनल बनाई थी, लेकिन उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। मिस होशियार शायद वीडियो बनाना चाहती थी, उसे थोड़ा बहुत YouTube का पता रहा होगा, तो सितंबर 2022 में वीडियो अपलोड करना शुरू किया था, और उसकी यह उम्मीद थी कि साल भर में उसके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। लेकिन नए साल तक उसके चैनल में 2 से लेकर 3 मिलियन तक सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, जो आज के समय में 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है। दोस्तों, आपको हैरानी की बात लगी ना, लेकिन इतनी बड़ी सफलता के पीछे मिस होशियार ने बहुत मेहनत किया। घरों में खिड़कियां नहीं थी, बाहर से शोर आता था। इतनी मुश्किलात में मिस होशियार वीडियो बनाया करती थी। अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए वह अलमारी के अंदर जाकर अपना वॉइस रिकॉर्ड किया करती थी। इसके अलावा मिस होशियार ने 1.5 महीने तक यूट्यूब में कैसे वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करने हैं, वॉइस रिकॉर्ड कैसे करनी है, यह सभी चीजें सीखी। ऐसा क्या करें जिससे चैनल ग्रो हो, यह सभी चीजें सीखी। मिस होशियार को ताना भी सुनना पड़ता था कि यह सिर्फ कुछ दिन का ही है, लेकिन मिस होशियार इन बातों को नजरअंदाज करते हुए वीडियो बनाते रही, और यह सभी मुश्किलों को सहते हुए वीडियो बनाते बनाते आज YouTube से मिस होशियार की जिंदगी इतनी बदल चुकी है कि जो नालियां साफ करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर 200-300 रुपए कमाया करती थी, वह आज लाखों कमा रही है और अपने सपने पूरे कर रही है। जो लड़की जिनकी घर चलाना इतना मुश्किल था, जिनके हालात इतने बुरे थे कि खाना मांगने के लिए दूसरे के घर तक जाना पड़ जाता था, वह आज YouTube से इतनी मेहनत करके लाखों कमा रही है और अपने सपने पूरे कर रही है। तो दोस्तों, यह थी मिस होशियार यानी सलोनी की एक छोटी सी स्ट्रगल वाली कहानी।
दोस्तों अगर करने की चाहो तो कुछ भी किया जा सकता है जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं। दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक स्ट्रगल वाली स्टोरी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राम राम।